हेलो स्टूडेंट्स फाइनली आपका फाइनल डेट शीट आ गया है मैं बात कर रहा हूं आपके बिजनेस मैथ्स की तो रेगुलर कॉलेजेस में 19 दिसंबर को आपका एग्जाम है और आपका एस के अंदर इकतीस दिसंबर को एग्जाम है जैसा आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये फाइनल डेट शीट है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर कॉलेज के हैं वो सोच रहे हैं कि कॉलेज में तो स्टार्ट हुआ नहीं है अभी स्टार्ट होगा फिर उसके बाद एग्जाम होगा अब आपका स्टार्ट हो या ना हो आपका 19 दिसंबर को आपको एग्जाम देने जाना है अब आपको आपने पढ़ा है या फिर आपका कॉलेज में नहीं हुआ उसका आपके एग्जाम, एग्जाम में जाना है से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना कोर्स चलाया था और बिल्कुल बेसिक चीज एक एक चीज कैलकुलेट करके काटना प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना और एक एक क्वेश्चन के पांच पांच प्रैक्टिस करवाना ताकि आपको अच्छे से कैलकुलेशन भी आ जाए वो क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए तो बड़ा मैंने बिल्कुल बेसिक और बड़े डिटेल बैच बनाया था ताकि हर एक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर पाए वो बैच अभी आपका चल रहा है अब आपके पास फोर्टी डेज ही आपके पास में मान के चलिए आपके पास में रह जाता है सोल और रेगुलर कॉलेज के एग्जाम के अंदर जो है आपके कोई खास डिफरेंसिस नहीं है ये सत्रह को एग्जाम है तो इकतीस को एग्जाम है तो बहुत ही आ, कम गैप के अंदर ही आपके जो है दोनों ही एग्जाम्स हो जा रहे हैं अब सवाल है कि भैया हम किस यूनिट को पहले पढ़ें किसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो आप देखिएगा हर एक यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट है दूसरे यूनिट से इसका कोई भी लिंक नहीं है अगर आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स पढ़ते हैं तो इसके लिए कोई और चैप्टर आपको आना चाहिए जरूरी नहीं है सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स अपना एक सेपरेट यूनिट है इसका ट्वेंटी आपके एग्जाम का जो वेटेज है उसका ट्वेंटी परसेंट रोल आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का रहने वाला है आपके एग्जाम में अब कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस की दो यूनिट है एक आपका एडवांस कैलकुलस है एक आपका बेसिक कैलकुलस है तो बेसिक कैलकुलस आपका परसेंट का वेटेज रखेगा और एडवांस कैलकुलस आपका ट्वेंटी मार्क्स का वेटेज रखेगा बहुत अहम रोल प्ले करेगा कैलकुलस बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप कैलकुलस को इतने सारे क्लासेस आपने कैलकुलेस में लिए हैं कैलकुलेस को आपने इतना लंबा आ, करवाया है तो क्या बाकी यूनिट्स को हम कैसे टाइम देंगे कैलकुलस को सबसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है क्यों मैंने कैलकुलस में आपका बेसिक कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस में दोनों की बात कर रहा हूं दोनों ही आपके एग्जाम्स में फोर्टी परसेंट का वेटेज आपके एग्जाम्स में चालीस परसेंट सिर्फ कैलकुलस तो आधा से थोड़ा सा कम ही रह गया पूरा पेपर आपका कैलकुलस से भरा हुआ मिलेगा आपके एग्जाम में अब आपके पास में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस की मैं बात करता हूँ ट्वेंटी परसेंट वेटेज है और लीनियर प्रोग्रामिंग का भी ट्वेंटी परसेंट वेटेज है आपके एग्जाम्स में तो ये कुछ आपके एग्जाम्स के वेटेज है अगर इस समय अगर आप मुझसे पूछते सर हमें पहले क्या करना चाहिए तो मैं आपको कैलकुलस ही बोलूंगा कारण क्या अभी आपके पास में पैंतालीस दिन है तो कैलकुलस को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ सकते हो एट अ टाइम आपके पास समय कम रहेगा और सारा समय कैलकुलस को दे दोगे तो सिर्फ चालीस परसेंट कवर होगा बाकी सारे के सारे छूटेगा आपका तो जितना टाइम आपका कैलकुलस कवर करने में आपको लगेगा उतना टाइम में आप मैट्रिक्स और आप लीनियर प्रोग्रामिंग दोनों ही कवर कर सकते हो उतने ही टाइम में दो यूनिट और कवर हो जाएगा इसलिए अभी कैलकुलस से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कैलकुलस से आप स्टार्ट कीजिए डिफर एंड इंटीग्रेशन अब आपके एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए सवाल यह है तो जो मैं क्लासेस आपको दे रहा हूं उस क्लासेस को देखिए वो जेके ठकराल से मेरा कंटेंट बना हुआ है अगर आप पे बुक नहीं है तो मैं अब आपकी है कि आप अच्छे से और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बुक ले लीजिए अदरवाइज अगर आप बुक नहीं लेते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ही आप बस अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से आप पढ़ें और उसकी पी में मैंने क्वेश्चन को दे रखे हैं जो मैंने पढ़ाया उस पी को सॉल्व कर लो इनफ है टेन ईयर में जाइए जैसे मैंने बेसिक कैलकुलस पढ़ा दिया उसकी वीडियोस आपने कवर कर ली उसका जो मैंने पढ़ाया बस उसी को कर लो आप बहुत है इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी पेपर में उसके प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो टेन ईयर में चैप्टर होगा कैलकुलस का दास के उस टेन ईयर में जाइए और उसके जो भी तीस पैंतीस क्वेश्चन है उसको आप जो है कर लीजिए पेपर में उससे बाहर नहीं है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं उससे बाहर नहीं है बेकार में आप अपना हाथ पैर मार रहे हैं बेकार में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना है अब क्या इंपॉर्टेंट क्या है तो बच्चे अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो उसको करने के लिए पिछला भी करना पड़ेगा आपको अब मैं बताता हूं कि भैया कैलकुलस में ये इंपॉर्टेंट है तो वो चीज समझ में आपको आएगी नहीं क्योंकि तो पिछले सारे क्लासेस आपको उसके लिए आनी चाहिए तो एग्जाम टाइम में दस दिन में आप सोचेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लें इंपॉर्टेंट पता तो लग जाएगा क्या है लेकिन आप उसको कर नहीं पाओगे ये भी सच्चाई है आज का दिन याद रखिएगा वीडियो सेव कर लीजिए एग्जाम से दस दिन पहले नहीं कर पाओगे क्लियर है तो आपके पास में ये कुछ वेटेज है और एक फास्ट ट्रैक बैच तो पूरा फुल हो करके वो पूरा का पूरा बैच चल रहा है अब आपके पास में एक और बैच है टू पॉइंट ज़ीरो उसके अंदर आप अपने आप को जो है एनरोल्ड करवा सकते हैं और उसमें सारे टॉपिक्स आपके अच्छे तरीके से कवर होंगे क्लियर है बच्चे तो ये आपके डेट शीट से रिलेटेड बातें थी अब एक एग्ज़ाम एक में बहुत कम टाइम है हम फोर्टी फाइव डेज में भी अगर आप बिजनेस मैच कर लो तो ये गरी है और इसके बाद अगर और भी दो दिन या पाँच दिन में अगर आपका लेट हो गया तो हाथ पैर फूलने वाली बात हो जाएगी एग्जाम से पहले और कुछ आप नहीं कर पाएंगे अगर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता ना बिजनेस मैथ्स और कोई और पेपर नहीं होता इसको भी आप 20 डेज में कवर नहीं कर सकते हो पूरा का पूरा एक महीना लगा दोगे सिर्फ एक ही पेपर हो पूरा पूरा दिन पढ़ लोगे तब भी कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सच्चाई है ये ये नहीं कि डिफ़िकल्ट है मुश्किल है ऐसा नहीं है सिलेबस बड़ा है और हर तरीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि पेपर सिर्फ पाँच सवाल आते हैं एक सवाल में पार्ट ए पार्ट बी होता है उसका चॉइस होता है उसमें भी आपका ए और बी होता है तो चार सवाल हो गए एक में पांच सवाल मतलब आपके पास बीस सवाल हो गए और एक पार्ट में भी दो तीन चीजें पूछता है तो तीस से पैंतीस सवाल तो आपका पूछ ही लेता है ये और इसमें क्या करता है कुछ भी नहीं छोड़ता हर जगह से कोई ना कुछ ही ले रखा है यहां से ले लिया नहीं तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ले लिया और ऑप्शन में से दो में से एक डिफिकल्ट होता है जो आप कर ही नहीं सकते हो दूसरा आसान होता है तो अगर आपने एक ही टॉपिक कवर करा और वो आपका डिफिकल्ट आ गया तो ऑप्शन में आप जा ही नहीं पाओगे और ऐसा नहीं है कि आप चॉइस करेंगे क्वेश्चन होगा कैलकुलस के चॉइस में कैलकुलस का क्वेश्चन होगा हो और आपके पास में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के चॉइस में का ही होगा लीनियर प्रोग्रामिंग के चॉइस में प्रोग्रामिंग ही होगा पांच क्वेश्चन होंगे पांच से तो इस बात को आपको खासकर ध्यान रखना है कि अगर आप और इसमें क्या रहेगा आपके पास में ये मान के चलिए कि आपके पास में 40 परसेंट आपके पास पेपर ऐसे हो, ऐसा होगा जो कि डिफिकल्ट होगा मुश्किल होगा जो बिल्कुल अलग तरीके से कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल नया होगा लेकिन आप उसमें से भी आप इतना कर सकते हैं कि 40 परसेंट में से भी आप 20 परसेंट आपका स्कोर हो ही जाएगा और फिर बाकी जो आपका बचा साठ वो बहुत ईजी होगा आपका तो अगर आप पूरा कोर्स करते हैं तब जा आप वो 40 परसेंट कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट होने वाला है ये कुछ नहीं कर सकते कई बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कोई कर नहीं सकता कई बार कैलकुलस का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार मैथामेटिक्स और फाइनेंस का क्वेश्चन आपका ऐसा दिखने को मिल जाएगा कि उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल अलग तरीके से क्वेश्चन आ गया तो 40 परसेंट तो अब इसमें से कौन सा डिफिकल्ट है वो मैं नहीं कह सकता हूं कोई भी नहीं कह सकता है तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप सोच रहे हैं कि हम इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेट्स कर लेते हैं मैथामेटिक्स और फाइनेंस कर लेते हैं और आपका ये दो और एक यूनिट और कर लेते हैं तीन यूनिट कर लेते पांच में से ही बहुत रहेगा। आपको यही दो यूनिट का डिफिकल्ट आपको देखने को मिल गया। आप क्या कर कुछ नहीं कर पाओगे आप? आप तब जाकर आपका चालीस परसेंट डिफिकल्ट साठ परसेंट तो आपका इजिली अटेम होगा और इसमें से बीस परसेंट स्कोर कर लोगे तो अस्सी परसेंट स्कोर होगा तो कहोगे अच्छा स्कोर है ये लेकिन अगर आप सौ परसेंट अपना सिलेबस कवर नहीं करते हो तो सीधा फेल अगर आपने अपने सिलेबस का 80 परसेंट भी करके एग्जाम में गए तो फेल हैं। बच्चे बाद में बहुत परेशान होते हैं बहुत कहते हैं और मुझे पता है कि इसमें आप सेमेस्टर थ्री में पढ़ रहे हैं आपको भी अवेयरनेस नहीं है चीजों की चीजें क्या है वो आप आपको वो ग्यारहवीं बारहवीं समझ रहे हो डिफेसेशन वैसा कुछ भी नहीं है तो यहां पर आपको अच्छे तरीके से Uh, पढ़ना है अभी कैसे भी पढ़िए यूट्यूब से पढ़िए सेल्फ पढ़िए जैसे पढ़ना है बस आप पढ़िए बाद में क्योंकि एक बार अगर आपके पास में बैक आ जाती है तो उस बैक को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वो चलता ही रहता है बैक पे बैक फिर वो रिपीट हो जाता है तो सारे एग्जाम्स अपने आप क्लियर करिए तीन साल में इंग्रेशियों कंप्लीट करें और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको शुरू से ध्यान देने की जरूरत है लास्ट के बीस दिन में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैथ्स पर भी फोकस करोगे तब भी आपका बिजनेस मैथ्स कवर नहीं हो पाएगा सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको तो ये चीज़ें हैं इसको आप अपने अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे इसको अच्छे तरीके से आप अपना पढ़ना शुरू करो आपको दिन में ज़्यादा नहीं दो वीडियोज़ को देखना है मैंने स्ट्रेटजी प्लान बना बनाया हुआ आप, है आपका कि आपको कितना करना है बस दिन भर में दो वीडियो देखनी है आपको बस और दो वीडियो का मतलब आपका हो गया कि आपको लगभग लगभग आपको डेढ़ घंटा या फिर आपको जो है सवा घंटा आपको देना पड़ेगा इतना टाइम आपको देना पड़ेगा क्लियर उसकी पीडीएफ को सॉल्व कर लेना है और इसी तरीके से कवर करेंगे आप चैप्टर यूनिट खत्म होने के बाद टेन ईयर से आप उसको दस दिन आप मान के चल लीजिए वैसे नौ दिन बनता है आपका लेकिन मान लीजिए दस दिन तो टेन डेज आप एक यूनिट को देंगे आराम से कूल होकर के पढ़ेंगे तो दस दिन के अंदर आप एक यूनिट अच्छे से वाइंड देंगे क्लियर है तो ये आपके पास में बिजनेस मैथ का था और आपका एड्रेस डेट शीट आ गई है अब अवेयर हो जाओ और बाकी बच्चों को आप अवेयर भी कर दें थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच